નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવે છે અને વાતો કરીએ છીએ અંતરંગ. આજે એક એવું વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ આપણી સાથે જેમની ચર્ચા સતત રહી છે, જેમની ચર્ચા સાંભળવા માટે લોકો આતુર હોય છે અને હર હંમેશ અનેકો અનુયાયીઓને પોતાના માર્ગદર્શનથી ક્યાંક તેમનું જીવન સુધારવાનો સંદેશ આપતા હોય છે. પાયલોટ બાબા અમારી સાથે છે આજે. પાયલોટ બાબાજી, આપકા સ્વાગત હૈ બહોત બહોત ઇસ શો. નમસ્કાર સભી કો. પહેલે તો યે પૂછના ચાહુંગા કે નોર્મલી નામ બાબા હો કે જો અલગ અલગ હોતે, કિસી હિન્દુ સંસ્કૃતિ સે જુડે હુએ નામ કે સાથ પીછે બાબા લગતે યા ગુરુ લગતે? આપ મે બિલકુલ અંગ્રેજી નામ આગે આ ગયા, પાયલોટ ઓર ફિર બાબા. ક્યા ક્યા હિસ્ટ્રી ક્યા ઇસકે પીછે? છોટી સી હિસ્ટ્રી હૈ જી. મે ભારતીય વાયુસેના કો છોડકર રિઝાઇન કરકે આયા હું જી. एयरफोर्स में मैं आपको 14 साल की सर्विस दी है एक मिग पायलट के रूप में. लोगों की नज़र में वो चीज़ आ गया इसलिए नाम छिप गया. मेरा नाम कपिल अद्वैत है लेकिन निक नाम आपको फैल गया. आपका निक नाम आ गया क्योंकि आप पायलट थे मिग के और उसमें से वो भी एक उसके पीछे भी राज था. मैं वही पूछना चाहता हूँ कि अचानक क्या हो गया कि हवा में उड़ते उड़ते किसी को निशाना बनाते बनाते आपने जो भी दुष्कृत्य चलते हैं, जो भी पाप चलते हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया. ये हम लोग ईश्वरवादी हैं और ये मानते हैं कि किसी एक महान सत्ता के ग्रेविटेशंस में हम अब काम करते हैं. वो हमें फोल्ड मोल्ड वो करता है. अगर हम थोड़ा सा अपना अहंकार छोड़ दें कि मैं करता हूँ तो जीवन में आनंद आ जाता है. तो हम इस चीज़ को मानते हैं कि हमें किसी की कृपा है, किसी का आशीर्वाद है जो हमें इस दिशा से मारपीट से अलग करके के प्रेम की दुनिया में लाया. ये पहला ब्रह्म ज्ञान कब हुआ था? ये सन 71 में. आपको सन 71 के युद्ध में हमें आपको इसका ज्ञान. तो आपने माना कि 71 में जो आपने किया था वो कहीं आपसे हो गई गलती है या तो जो कर्म में लिखा हुआ उस वजह से आपको जो ड्यूटी मिला उस आपने कर दिया? वर्षी हमने कभी जीवन के किसी कर्तापन को गलती नहीं स्वीकार किया. वो अपना धर्म समझा. मैं मनुष्य का एक धर्म होता है और हम धर्मी हैं. हमें जो कहा गया उसको हमें करना है. हमने जिसके लिए प्रोमिस किया उसको हमें करना है. उसमें ये नहीं देखता है कि हार किसकी है, जीत किसकी है. उसमें ये नहीं देखा जाता कि पाप है पुण्य है. वो ऑर्डर है, आदेश था, आदेश उसका पालन कर. लेकिन 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 जब आप उस ड्यूटी पर थे उस वक्त भी कई मौके ऐसे आए होंगे जहां आपको लगता होगा कि कहीं मेरा रास्ता अलग है, मेरी मंजिल अलग है. कभी भी ऐसा फील होता था अपने आप अंदर कुछ घुटन महसूस सी होती थी? नहीं, हमें तो यही महसूस होता था कि हमें जो दिया गया है उसे करना है. हमारे अंदर देश की रक्षा, देश मेरी माँ है, माँ के सतीत्व की रक्षा मुझे करना है, चाहे इसके लिए जान गंवाना है चाहे जान लेना है. पायलट की जॉब छोड़ने के बाद ऐसा कब हुआ कि मेरा ये दायित्व है कि मैं संत के कपड़े पहनूं, उनकी भाषा में बात करूं, उपदेश दूं, लोगों को कहीं सुखी होने का रास्ता दिखाऊं? ये पहली सोच कब आई थी और लोगों ने जब माना कब कि ये जो मिस्टर पायलट थे वो भी बाबा भी है, ऐसी सोच, ऐसी एक्सेप्टेंस ही कब आई थी? ऐसा होता है कि हम अभिमान में होते हैं कि एक बहुत महान श्रेष्ठ अति तेजस्वी जीवन जी रहे हैं, लेकिन जब इसमें जीवन के मूल्यांकन समझ में आती तब है, हमें मालूम होता है कि हम कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं, हम एक खिलौना है जिसको रिमोट किसी और के हाथ. जी हाँ, बहुत बड़ी बात आपने कहा कि रिमोट किसी के हाथ में है और हम अभिमान में जी रहे हैं. तो समझ में आती है कि शायद हमसे कुछ और करवाना चाहता है. अपने पर नहीं सिर जाता है, ये समझ में आता है कोई है जो हमसे कुछ और करवाना चाहता था, वो हमारे में फोल्ड, हमारे को मोल्ड करना चाहता है, दिशा परिवर्तन करना चाहता है. चलो फॉलो करो. हर एक बाबा की, हर एक संप्रदाय की, हर एक पंथ की, हर एक धर्म की एक आइडियोलॉजी होती है. पायलट बाबा की आइडियोलॉजी अगर 2-3-4 सिद्धांतों में अगर वर्गीकृत किया जाए तो किस तरह से करेंगे आप? किस आइडियोलॉजी के आधार पर आप अपने अनुयायियों को कुछ देते हैं? हमारा पहला धर्म है देश प्रेम, कि जो कुछ भी मैं करूंगा उसमें पहले हमारा देश होगा. दूसरा धर्म, हम देश को विश्व का एक अंग समझते हैं, इसलिए हम संपूर्णता में देखते हैं कि विश्वातीत होना पड़ेगा.
जो हम कर रहे हैं वो विश्वातीत होना चाहिए, उसमें केवल मेरा हित, मेरे देश का हित ही नहीं, विश्व का हित होना चाहिए। और इसके लिए हमें किसी से मांगना नहीं है, अपनी ओर लौटना है, अपने में खोजना है, अपने में डूबना है, अपने को बहती हुई नदी को समुद्र बनाना है। ये विश्वास होना चाहिए और ये आत्मबल होना चाहिए कि मैं नदी बन के बह रहा हूँ दो किनारों के बीच में, या मुझे महासमुद्र बनना है। और उस महासमुद्र से हमारे अंदर जो प्रेम, भक्ति, शक्ति, आदर्श, प्रणय जो कुछ मिलेगा, इसे हमें विश्व को बांटना है, अपने लिए, अपने लिए, अपना उत्थान उसमें नहीं है। नदी के जल जल जैसे आपको अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि बाबा जितने भी है, सब पूज्य बाबा श्री जितने भी है, वो सब अपने लिए कुछ नहीं मांगते, लेकिन उनके अनुयायी सब उनके लिए ही मांगते हैं, आपके पास आते हैं, क्योंकि क्या उनको ये सिख उनके तक नहीं पहुंचती कि उनको खुद के लिए ही सोचना चाहिए। भरजी हम लोग में कमजोरी है, हम बाबा नहीं होते, हम प्रिटेंड करते हैं। हमने हमारी अपनी एक अध्ययन है कि हम जिंदगी भर बाबा होने का नौटंकी करते हैं, बाबा नहीं बन पाते। हम ऑफिसर हैं तो हम ऑफिसर होने को प्रिटेंड करते हैं, एक्टिंग करते हैं, ऑफिसर नहीं हो पाते। इसलिए मनुष्य में एक बहुत शुरू से कमी है कि वो जो है नहीं वह होने का नकल करता है, प्रिटेंड करता है, अपने को आर्टिस्ट बना देता है, अपने अस्तित्व को छिपा देता है। तो पायलट बाबा भी बाबा नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं बाबा बनने की? नहीं, प्रिटेंड, मैंने तो पहले क्या स्वीकार किया है कि हम कोशिश प्रिटेंड करने, नकल करने लगते हैं। हमें आप बनना है, हमें वो बाबा बनना है, हमें वो बाबा बनना है, हमें उस देवत्व का लाना है, और जो अपने अंदर छिपा है उसको नहीं जगा पाते। इसलिए हम हमारा मन हमें व्यवसाय के जगत में ले जाता है। हम बाबा, अब मैं भी उसी में आ जाता हूँ, हम आपको अपने शक्ति की, अपने क्षमता की व्यवसाय करते हैं, अपने ज्ञान की व्यवसाय करते हैं। ज़्यादातर तो लोग झूठ बोलते हैं कि मैं इनलाइटेंड हूँ, इनलाइटेंड है नहीं, और फिर उस तरह से रहने लगते हैं, अपने को प्रोजेक्ट करने लगते हैं कि मैं एक सिद्ध पुरुष हूँ, मैं एक महान पुरुष हूँ, मैं एक उच्च कोटि का कथाकार हूँ। है तो उधार की बात, मतलब कहने का अगर मैं तात्पर्य अपने हिसाब से, अपनी सोच से, अपनी समझ से अगर निकालूं, तो क्या ये निकाल सकते हैं कि हर एक जो भी रिलीजियस गुरु है वो एक अच्छी बात लेके लोगों के समक्ष आता है, लेकिन उनकी अपेक्षा इतनी हो जाती है कि उनके जो भी अनुयायी है, उनके फॉलोअर्स है, वो उनको बिल्कुल भगवान के रूप में माने, जबकि वो है नहीं। वो गलत निखारण है ना, आपको जिसने उस प्रथा को स्थापित किया है वो सिंबलिक बन जाता है। हर धर्म की कमी है को किसी व्यक्ति, किसी बुद्ध को, किसी कृष्ण को, किसी राम को, किसी कृष्ण को, किसी सिद्ध पुरुष को सिंबलिक बना देता है, जबकि उनकी आइडियोलॉजी पे चलना चाहिए। जब ना वो उसको वो कभी बनने नहीं देता है। इसे व्यक्ति की सारा व्यक्तित्व, अस्तित्व उसमें छिप जाता है। वो उसे महान बन सकता है, सभी आत्माएं बुद्ध बन सकती है, लेकिन बुद्ध धर्म क्षमता नहीं है कि बुद्ध धर्म बुद्ध से आगे उसे जान दिया जाए। ये बहुत बहुत बड़ी बात कर दी। यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद इसी बात पर बात करेंगे। दर्शक मित्रों, समय थयो छे विराम नो, पायलट बाबा साथ है, बीजा तबक्का नी वातो, एक नानकड़ा विराम बाद। जनता नो आवाज जुओ दर रोज बपोरे 2:30 कलाके। શું આપને કોઈ જાતીય તકલીફ છે? જો જાણવું જરૂરી છે, જાણવું જરૂરી છે, જુઓ દર બુધવારે રાત્રે 11:30 કલાકે માત્ર ગુજરાત ન્યૂઝ પર। विराम बाद, फरी एक और स्वागत है आपनों कार्यक्रम अतिथिमा। बाबा जी, आपने ब्रेक से पहले बहुत अच्छी बात बताई और मेरे हिसाब से इतनी डेप्थ वाली बात बताई, शायद ये बात अगर मैं रिलेट करूँ, मेरी जो भी क्षमता है, मेरा जो भी अभ्यास है, जो भी मैंने पढ़ाई की है अलग अलग ग्रंथों में, कहीं ना कहीं रजनीश जी भी यही बात कहते थे कि अपने आप में जो पड़ा है उसे ढूंढने की कोशिश करिए, किसी एक को आदर्श बना के जीवन मत बनाइए। क्या क्या इसी 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 फॉर्मूला, इसी थियरी पे आपकी बात चल रही है ये, अगर मैं रिलेट करना चाहूँ तो? हम आपको किसी से, किसी के फ्लावर, किसी के विचारों को ढोने के लिए नहीं पैदा हुए। और जितनी सांप्रदायिक बातें हैं, जितने ट्रेडिशनल बातें हैं, सब विचारों का ढोना है।
उसमें आपकी क्षमता नहीं परिवर्तन करते, आपके अंदर करेज है लेकिन आपको अधिकार नहीं दिया जाता परिवर्तन करने के लिए, उस बाउंड्री में उस लिमिटेशन में रहने के लिए आपको बाध्य किया जाता है। ओशो भी एक बहुत बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, लेकिन जब उनका कभी मैंने पढ़ा, मेरा साथ उनके साथ रहा कुछ समय तक, दो चार बार उनके जन्मभूमि पर जब मैंने एक बार समाधि दी थी तो हमारे से मिलने आए थे, हमारी उनकी बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि आप इसको ओपन क्यों नहीं करते, आप बुद्ध बनना क्यों बनना चाहते हैं, मैंने साहब कहा आप बुद्ध बनना क्यों चाहते हैं, रजनीश जी साहब ने कहा कि आप बुद्ध बनना क्यों चाहते हैं, नहीं जवाब दे पाए थे। मैंने कहा कि आप में और पांडिचेरी के अरविंदो में कमी हुआ कि जो हैं वो बनने के बजाय बुद्ध बनने की नकल करने लगे, कृष्णमूर्ति में कमी बड़ी, हाई क्लास के इंटेलेक्चुअल व्यक्ति वो भी बुद्ध बनने की कोशिश करने लगा, क्यों? जब अपनी आत्मा को बुद्ध बना सकते हो, बुद्ध है, फिर आप किसी के चादर को ओढ़ना क्यों चाहते हैं? इसलिए हम सब में कमी आ गई, हम सांप्रदायिक विचारों का चादर ओढ़ लेते हैं, हम सन्यासी बन जाते हैं, वैरागी बन जाते हैं, हम शंकराचार्य के प्रथा को, हम रामानुजी की प्रथा को, हम कृष्ण वल्लभाचार्य की प्रथा को, हम कृष्ण के हम प्रथा को लेकर चल रहे हैं। इसलिए इसमें हमारी आज़ादी नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं इनके फॉलोअर्स हैं, इनके फॉलोअर्स को हम खुश करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने विचारों को कह पा रहे हैं। बाबाओं से जितना फ़ायदा उनके फॉलोअर को नहीं हुआ, उतनी पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत फ़ायदा हो गया है। ये तो वो अधिकार प्राप्त करने की चाहिए, पॉलिटिकल का अर्थ होता है पावर, बाबाओं का अर्थ होता है बांटना, आप पॉलिटिकल का अर्थ होता है खींचना, अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि हम लोग जैसे एक वैज्ञानिक चीज़ है कि विश्व जो है ग्रेविटेशन के अधीन है, ग्रेविटेशन में आकर्षण है, अट्रैक्शन है, जो विभिन्न प्रकार के मैग्नेटिक रेज क्रिएट करता है, जिसमें स्पीड है, वेलोसिटी है, सारा दुनिया कंट्रोल कर सकता है। तो इसलिए ऐसे पद बनाए गए हैं पॉलिटिक्स में, ब्यूरोक्रेट में, को पेड पद पर बैठने वाले व्यक्ति के अंदर में एक मैग्नेटिक पावर ग्रेविटाइज हो जाता है, वो उसके अंदर में हम महसूस करने लिए व्यक्ति कुछ शक्तियों का इम्प्लीमेंट कर सकता है, विचारों का इम्प्लीमेंट कर सकता है, कानून बना सकता है, वहाँ से पहले यहाँ से शासन शुरू हो जाता है, वो व्यक्ति फिर शासक बन जाता है। तो उसमें पावर पर कि अधिक जनता इकट्ठा कर लीजिए, आपके पास धन भी खूब आ जाएंगे, या अधिक धन इकट्ठा कर लीजिए, जनता इकट्ठा कर लेंगे, उसका मकसद ये होता है कि दो के बीच में धन और पब्लिक के बीच में आकर के शासन करना। मतलब एक बिल्कुल सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता है बाबाओं का। बाबा लोग तो आपको धन प्राप्त करने के लिए या लोगों तक पहुंचने के लिए, यानी कि वोट कलेक्ट करने के लिए, वो सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज ख्याल रखेंगे, कहाँ फ्रीडम है। बाबा लोगों को अगर आप बात करते हैं तो आशित एक भिखारी से आप कहते हैं जगत का कल्याण हो, बना देते भिखारी, एक योग व्यक्ति को, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति को, एक कर्ता प्रधान किसी काम में मायर है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस से है, चाहे आपको फिजिकल साइंस से है, चाहे डॉक्टर प्रोफेसर है, उसको आप एक सड़क पर भिखारी बनाते हैं, भिक्षा पर आश्रित कर देते हैं, फिर आप उसे कहते हैं हमारा कल्याण करो। आपने सामाजिक मर्यादा कहाँ दिया है? कौन सा बाबा है अपने बुद्धि के बल से, अपने विवेक के बल से उसने मर्यादित हुआ है? लेकिन कौन ध्रुव बचपन से बना है? तो ये चीज हम लोग देखते हैं, एक ऑर्गेनाइज व्यवस्था है, उसे कपड़े उतरवा देते हैं, उसको राख लपटवा देते हैं, जटा जुट बनवा देते हैं, और आप उससे कहते हैं कि हमें आशीर्वाद, हमारा कल्याण हो, तो उससे आत्मबल, तब वो अपने आत्मबल क्यों लगता है? इसलिए हमें आपको ये जगाना पड़ेगा कि हम भिखारी न बने, हम उसके जीवन में चैलेंज बनकर जीने का मौका दें कि तुम भी जियो, तुम्हें भी सामाजिक अधिकार दिया गया है, तुम्हें सामाजिक अधिकार काटो मत, तुम समाज के व्यक्ति हो, समाज में जन्मे हो, समाज में रहो, लेकिन उसको आप एक लकीर खींच के अलग कर दे, तुम्हारा कोई मतलब नहीं समाज से। मतलब उनको जोड़ना चाहिए, अपने जिम्मेवारियों को, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने कर्तव्यों को पालन करना चाहिए, जो मनुष्य का एक धर्म होता है, जो उसके जिसलिए वो मनुष्य बना है,
वो एक कमजोर व्यक्ति बन करके जब वो अपने तपस्या से बोलते हमें तपस करने का अधिकार दिया गया है जी, ना अगर जो भी साधु महात्मा है या तो एक विशेष कथाकार बन करके समाज में पूज हुआ है क्योंकि बुद्धि का प्रयोग किया है ज्ञान खंड हुआ या कोई शारीरिक तपस्या करके के अपनी मान्यताओं को प्राप्त किया है तब वो केंद्र बनता है आकर्षण का उसकी सिद्धियाँ मतलब तराशा हुआ जब तक कोई बंदा नहीं होता है मेरे हिसाब से ये जो तराश खुद को तराशने की बात आती है खुद को एक एक आग में डालिए अपने आप को उस तरह से डेवलप करिए ऐसे बनाइए तब जाके कहीं आप वो सिद्ध पुरुष बनते हो किसी को सीख देने की उस स्टेटस पे आप पहुंच सकते। मजबूरी में सन्यासी बनना मजबूरी में वस्त्र पहनना आपको बीबी से झगड़ करके कपड़े पहन लिए गांव में से झगड़ा झंझट के गलती काम के भाग करके कपड़े पहन लिए वो क्या देश का कल्याण करेगा आपको क्योंकि उसे वो जी नहीं सका समाज के साथ समझौता नहीं कर सका उसे काम बनने का मौका लेकिन ये छिप करके अपने अंदर में एक गिल्टी कॉन्शियस लेकर के सन्यासी बनता है। एक 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 बात यहाँ मैं खास पूछना चाहूँगा जो ज़्यादातर लोग हिंदुस्तान के लोग मेरे हिसाब से हर घर में हर समाज में हर वर्ग में ये बातें चलती है कि पहले के समय में 1, 2, 3, 4, 5 पंथ थे जिसको फॉलो करते थे लोग आज इतने सारी ब्रांचेस निकल गई ये इस देश को इसके हिंदू धर्म की परंपराओं को तोड़ने का कहीं ये क्योंकि एक बंदा बोलता है कि पहले मैं ये कलर का टीका करता था अभी मैंने ये अभी चोला पहन लिया है अभी मैं ये कलर का टीका करूंगा मैं पहले ये शेप का टीका करता था अभी मुझे दूसरे शेप का टीका करना है कहीं वो ओ में बंध जाते हैं कहीं यू में बंध जाते हैं कहीं ट्रायंगल में बंध जाते हैं क्या 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 जितनी ज़्यादा अलग अलग कुटिया बनती है जितने जितने अलग अलग बाबा आते हैं वो इस देश को इस धर्म को इस संप्रदाय को एकता को तोड़ने का काम हो रहा है ऐसी भी एक बात चल रही है। बेचारिक से बेचारिक स्लेवरी है। मैं तो मैं बोल रहा हूँ कि पायलट बाबा क्यों कहते हैं कि मुझे फॉलो करिए पायलट बाबा अगर ये कहे कि आप गीता में लिखा हुआ ज्ञानी पढ़िए आप जो भी वेद पुराण है उन्हीं को पढ़िए हम तो वो भी मना कर देते हैं लेकिन यहाँ तो फोर्स किया जाता है आपको मुझे मेरे ही मंदिर में आना पड़ेगा आपको मेरे ही आश्रम में आना पड़ेगा अगर आपको गंतव्य स्थान पे पहुंचना है नहीं, तो ये कहीं गलत है बाबा जी बहुत बड़ा गलत है व्यक्ति को उसको सजग करना चाहिए होश में आओ बहुत सिंपल भाषा है होश में आओ लेकिन वो नहीं हो रहा है तुम अपने लिए मेरे पास आओ मेरे लिए मत आओ लेकिन वो नहीं हो रहा है क्या होगा हाँ हम लोग भी है हम जब आप मेरे पास आते तो मेरे में लोभ आ जाता है कि कस्टमर मिल गया इसको सारी जिंदगी रखना है इसे मठ बनवाना है इसे मंदिर बनवाना है इसे उन सिद्धांतों जो हमारे गुरुओं ने जो हमारे सांप्रदायिक विचारधाराओं को जिन्होंने आरोपित किया उसका सिंबल बनाना है हमें आपको 2400 लेकिन आप जैसी इतने बोल्ड विचारधारा बिल्कुल मैं आपको सैल्यूट करता हूँ क्योंकि जिस तरह से आप बात कर रहे हो इस समुदाय में बैठे हुए ऐसे गलत लोगों की आप बात कर रहे हो ऐसा बोल्ड बोलने वाले बाबा बहुत कम है पायलट बाबा जी ये हमारी कमजोरी है ये एक बिल्कुल बदनसीबी है सत्य को कौन छिपा सकता है हम सत्य देखिए हम तो एक कहते हैं अगर इतिहास के पढ़ लेने से हमें रियलाइजेशन मिलेगा तो मुश्किल काम है अगर हम जैसे रामायण पढ़ते हैं गीता पढ़ते हैं बाइबिल पढ़ते हैं कुरान पढ़ते हैं तो उसी तरह से अकबर का पृथ्वीराज चौहान का इतिहास पढ़ने से हमें आपको बुद्धत्व तो मिलेगा हम क्यों ऐसी एक व्यवस्था है बांधे हैं आज कथाकारों के पीछे दुनिया भाग रही है हालांकि हम लोग सुखदेव जी की कथा को भी पढ़ते हैं लेकिन आज की कथा में लोग आपको डिस्को डांस की तरह आपको म्यूजिक बजा बजा करके लय से लय मिला कर कथा कर रहे हैं हम पागलों की तरह भागे चले रहे क्या ज्ञान हो रहा है क्या मिलेगा म्यूजिक होता है गाने होते फिल्मों की तर्ज के ऊपर गाने वो चुटकुले लगाए दिए जाते दो चार लोगों को हंसा दिया बातें कर लिए डांस करवा दिए रास खेल लिए और ये कथा खत्म हो गई रूप बदल गए आधुनिकता का मतलब विकास का मतलब धर्म को छोड़ दो अच्छा है राष्ट्र को पहचानो अच्छा बात है तुम व्यक्ति पूजा के बजाय तुम राष्ट्र की अच्छी बातें हैं लेकिन हमें एक तरफ से नास्तिक बनाया जा रहा है तो आस्तिकता में उसके काम के प्रति होश भी तो नहीं दिया जा रहा है आपको जो इवोल्यूशन की थ्योरी है सर्वज्ञता को तो नहीं होता है ना यहाँ रोकूंगा अगेन एक वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का अंतिम चरण की बातें करेंगे छोटे से विराम के बाद विराम बाद अंतिम तबका निवातो पायलट बाबा साथ है।
જનતાનો અવાજ જુઓ દરરોજ બપોરે 2:30 કલાકે શું આપને કોઈ જાતીય તકલીફ છે જુઓ જાણવું જરૂરી છે જાણવું જરૂરી છે જુઓ દર બુધવારે રાત્રે 11:30 કલાકે માત્ર ગુજરાત ન્યૂઝ પર વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં અંતિમ તબક્કામાં વાતો પાયલોટ બાબા સાથે ખૂબ જ દિલ ખોલીને કદાચ અનએક્સપેક્ટેડ જે થોટ હતા તેમના આપની સમક્ષ મૂક્યા છે છેલ્લી 5 મિનિટમાં એવા સવાલો જે હજી સુધી કદાચ ક્યારેય પૂછાયા નથી તેવા તેમને જવાબો પણ કદાચ એ ખુલીને આપ્યા નથી પાયલોટ બાબા રાજઘરાને સે આપ બિલોંગ કરતે થે કભી કભી એસા અફસોસ હોતા હૈ મેં દિલ ખોલ કે મેં આજ પૂછના ચાહતા હું કે ક્યો યે કર લિયા મેને લોગો કો ખુશ કરને કે લિયે જો મેં નિકલ પડા થા કોઈ એક સોચ લેકે નિકલા થા લેકિન જો ચાહા પાયલોટ બાબા ને વો દુનિયા નહીં મિલી નહીં એસા હૈ કે અવસર મિલા પરિણામ નહીં મિલા પરિણામ નહીં હમને ખોજા મેં 40 વર્ષ કી જિંદગી હૈ મેં આજ ભી ખોજતા હું આજ ભી આ નંબર કો આજ ભી લેવતાઓ કો સાધુ મહાત્માઓ સે પ્રાર્થના કરતા હું કે કમ સે કમ અપને લિયે તો જીઓ अगर औरों के लिए नहीं जी सकते तो अपने लिए जियो अपने तन को अपने मन को पंच भूतों के ताकत का सदुपयोग तो करो जब तुम जानते हो कि कुछ नहीं ले जाओगे फिर क्यों ले जाने के प्रयास में लगे हो जब तुम जानते हो कि तुम अग्नि के रंग का कपड़ा पहन लिए हो मतलब सबको जला करके तुम किनारे हो जाओ फिर तुम क्यों नहीं जल रहे हो क्यों नहीं जलाते हो तुम्हें भक्त चाहिए सेवक चाहिए धन बटोरने के लिए नहीं प्रेम बांटने के लिए प्रेम में कोई सौदा नहीं होता है आपको तो फिर संबंध के बना रहे हो तुम चाचा गुरु बन रहे हो तुम मामा गुरु बन रहे हो तुम भैया गुरु जैसे गृहस्थी सब एक तुम्हें एक प्रथा चला दी हो तुम मेरा भतीजा चेला हो तुम मेरा चाचा चेला हो ये सब परंपराओं को तोड़ करके तुम अकेले हो जाओ ना पायलट बाबा ये परंपरा किसको देना चाहते हैं हर आदमी को सजग करना चाहते हैं जो भटक गए हैं जो भिखारी बन गए हैं जो गिल्टी कॉन्शियस में जिन्हें उनको होश में लाने के लिए पिछले कितने दिनों से खास करके जो हिंदूवादी कट्टर संगठन है उनका ये आक्षेप है कि जितना भगवे कलर वाले हमारे बाबा जी थे उनको बदनाम करने की एक साजिश की जाती है एग्जाम्पल दिया जाता है आसाराम बापू का एग्जाम्पल दिया जाता है नारायण साई का नित्यानंद जी का क्या आप मानते हो कि सही में वो जो गिल्टी थे इसीलिए वो पनिश हो रहे या तो फिर बदनाम करने की कोई साजिश है हिंदू धर्म को देखिए हम किसी को आक्षेप तो नहीं दे सकते किसी व्यक्तित्व का हनन नहीं कर सकते लेकिन गलत चीज को हम छिपा नहीं सकते दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है जो होगी जति सन्यासी चाहे राजा रंग फकीर है कि वो सत्य को छिपा दें क्योंकि हर व्यक्ति का काम करने वाले व्यक्ति का मन में वो गिल्टी कॉन्शियसनेस होता है और वह सारी जिंदगी वो सिकुड़ करके जीता है भयभीत होकर के जीता है मैं हूँ चाहे बापू हों चाहे नित्यानंद हो संयोग से सभी लोग परिचित हैं जो होता है तो होगा ही चाहे आप जो कर्म किया है उनका तो फल जरूर मिलेगा और इसमें आपको समय की मांग भी है समय की इसलिए मांग है कि आपको हम उस क्षेत्र में न जाएं हमारा क्षेत्र गिरवा वस्त्र है हमें ज्ञान बांटना है जोग सिद्ध बांटना है हमें प्रेम बांटना है लोगों को जगाना है हमारा जो कर्तव्य है वही हमें वही दायरे हम इंटरफियर करने लगते हैं पायलट बाबा जी ने इंदिरा जी को भी सिख दे दी आशीर्वाद दे दिया पायलट बाबा जी ने दिग्विजय सिंह को भी आशीर्वाद दे दिया से हमने उनसे कुछ लिया नहीं मैं आप देने की बात कर रहा हूँ हमने उनके पद का कभी दुरुपयोग नहीं किया किसी के मैंने आपको मैं नहीं होता तो अटल जी सारी जिंदगी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते सरवा जी प्रेसिडेंट से जाकर के मैंने हाथ जोड़ के कहा कि देश के कल्याण के लिए बनाओ हमारे कल्याण के लिए आपके कल्याण के देश के कल्याण के इस व्यक्ति को लाओ अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री आपने बनवाए थे नहीं एक प्रेसिडेंट से हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि आपसे मेरा परिचय है उस व्यक्ति से परिचय है उसे अवसर दो अवसर दे करके अगर उसका उपयोग नहीं करोगे तो हो सकता समय बहुत आगे निकल जाएगा अभी किसके ऊपर कृपा दृष्टि है पायलट बाबा की
हम खुले हम लोग मोदी को प्रार्थना कर चुके हैं और ब्रह्मा के रेख है, इसे कोई नहीं टाल सकता। एक बार कह दिया गया उनसे कि तुम देश के प्रधानमंत्री हो तो हो, अब ब्रह्मा भी आ जाए, विष्णु भी आ जाए, शिव भी आ जाए तो नहीं टाल सकते, तो योगी के बाड़ी है। हम लोग उस व्यक्ति को आगे कर रहे हैं जो देश हित की बात। राहुल बाबा के लिए क्या वाणी है पायलट बाबा? नहीं, हमारा नहीं सोच है, प्रियंका का सोच है हमारे पास। अगर सोनिया वगैरह कांग्रेस वगैरह दिग्विजय वगैरह मेरी बात मानते तो प्रियंका को ला करके आपको एक आज देश के उच्च नेता बना, एक दूसरा इंदिरा गांधी पैदा कर देते हैं हम लोग। हम लोग डोमिनेटेड पर राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र की जागृति के लिए एक व्यक्तित्व चाहते हैं जो विश्व से देखे, जो आपको नरेंद्र मोदी में दिखाई देती है। हाँ, 100% है, ये प्रियंका में है। और किसी को हम सौंदर्य की ओर आकर्षित करने के लिए, किसी को और हम सजा करके बनाने के लिए कोशिश करें तो मुश्किल नहीं। बाबा जी, अंतिम सवाल इस प्रोग्राम में, अंतिम सवाल में ज़्यादातर लोगों ने, यानी कि बहुत लोगों ने, सभी लोगों ने ये बात का जवाब दिल खोल के दिया है। आज इस शो में कोई ऐसी बात जो आज तक आपने किसी को बताई नहीं हो, ऐसा कोई कन्फेशन? हम लोग देखिए, हम लोग युद्ध करने वाले लोग हैं, जीवन को हम लोग सहज नहीं जिए। कन्फेशन? हाँ, जो हम जीवन को हम लोग सहज नहीं जिए हैं, हम न देश के लिए सहजता से रहे हैं। हमारा ये मोटिव है, जीवन का लक्ष्य है कि हम जो अदृश्यता ताकत है, उस ताकत को हम देश प्रेम के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए, विश्व प्रेम के लिए लगाए हैं और लगाते रहे। बाबा जी, कन्फेशन करिए। हमारा ही कन्फेशन है कि अब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसे डर कर जियो। मैंने कोई एक युद्धक, मुझे युद्धक बनाया गया और हम आप तो सन्यासी बनकर भी युद्धक हैं। मेरा कर्म आपको धार्मिक अधार्मिक नहीं है, मेरा कर्म देश प्रेम है। बहुत बहुत धन्यवाद पायलट बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शक मित्रों, आती खास बात पायलट बाबा साथे ने दिल खोली ने करेली बात, कदाच अनेक बातों एवी के जे कदाच चौंकावनारी हती अने मुक्त विचारों साथे पोताना जे पण थॉट्स हता तेमणे मूकी दीधा। फरी मळीशुं नेक्स्ट एपिसोड में एक नवा अतिथि साथे, त्यां सुधी रजा आपशो। नमस्कार।